पेपर बहुत बढ़िया था, शानदार था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनका ध्यान रखना है आपको। मैथ्स का मतलब टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन छूट सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग सरल थी, मतलब हर कोई बना लेगा रीजनिंग, इतना कोई खास नहीं था रीजनिंग, बस मैथ्स का ध्यान रखना है। अच्छा, मैथ्स का ध्यान रखना है? मैथ्स का ध्यान ऐसे रखना है जैसे कि आपको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहे हैं। जैसे रोजाना, मतलब मैंने भी रिव्यू देखे हैं पहले, तो उन रिव्यू में जैसे बताया था कैलकुलेटिव टाइप मैथ्स आ रहा है, तो वो आ रहा है, आज भी ऐसा ही आया, तो उसको लेके चलना पड़ेगा, टाइम के साथ कवर करने के चलना पड़ेगा मैथ्स के क्वेश्चन को आपको। कैसा क्वेश्चन आया फिर भी, एक आध ब्रेकेट वगैरह ऐसा? सरलीकरण से थे एक दो क्वेश्चन, और परसेंटेज से दो तीन क्वेश्चन थे परसेंटेज से, और इसका आयत वाला क्वेश्चन था एक, परिमाप वाला एक क्वेश्चन ही था बस, उससे एक ट्रिग्नोमेट्री का था ऐसे, उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला एक क्वेश्चन वो था। बाकी एडवांस मैथ से इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं है आज, बस रेशो से थे दो तीन क्वेश्चन इस टाइप। अच्छा, रीजनिंग को बताइए। रीजनिंग में दो तीन तो आकृतियाँ आई थी, और एक दो तीन वो थे श्रेणी, जो सीरीज जो रहते हैं ना, सीरीज से दो तीन क्वेश्चन इस टाइप से। और कुछ? और बस टाइम, और मतलब मेरे को जहाँ तक लगा जैसे पेपर करने के बाद, बस यही है कि टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। मतलब मैथ्स पे थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ हो अपनी मैथ्स के, यदि अपने को प्रॉपर टाइम में बन जाते हैं क्वेश्चन तो पेपर अच्छा है। मतलब मेरे को भी ऐसा लगा कि मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होता टाइम पे, अधिक मतलब क्वेश्चन ऐसे भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी रहे जिनको मतलब टाइम कम पड़ा, उसकी वजह से जल्दी जल्दी में लगाना पड़ा क्वेश्चन, यदि उसको प्रॉपर सही से करते तो आंसर शायद सही आ जाते थे ऐसे। और इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश में पी क्यू आर एस आए थे पाँच छः पी क्यू आर एस आए थे, लगाना है हाँ, और उसमें भी मतलब कुछ उसमें से एक दो थोड़े लेंथी थे, मतलब दो लाइन के समथिंग थे, और हाँ ये आए थे एंटोनियम्स आया था एक, और इडियम्स आए थे शायद दो आए थे, हाँ दो इडियम्स आए थे, और हाँ यही आया था हाँ। और बाकी पोजिशंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया, और नहीं कुछ भी नहीं आया, ए एन डी और प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं आया उसमें से। अच्छा, जीके के बारे में बताइए। जीके में से करंट से क्वेश्चन कोई थे नहीं, करंट से नहीं था हाँ, एमपी से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, एक दो ही होंगे शायद एमपी से हाँ। और इंडिया का? इंडिया का बस वो मोदी जी से रिलेटेड आया था एक, कि वो प्रधानमंत्री वो किसान वाली जो योजना उसका शुभारंभ जो किया था वो किसने किया था, बोले स्मृति ईरानी ने, मोदी जी ने या फिर सुरेश प्रभु ने, ऐसा ऑप्शन थे उसमें, वो आया था इस टाइप से। और हिंदी के क्वेश्चन लास्ट में आए थे आज 175 से 200 तक 25 क्वेश्चन थे हिंदी के फिक्स। अच्छा, मतलब 25 आ रहे हैं हाँ। बताइए कैसी आ रही है हिंदी? हिंदी तो बिल्कुल सरल आ रही है, वो हेतु मध जो है उससे आए थे दो, अलंकार छंद वगैरह दो तीन क्वेश्चन, और छंद से आज हाँ छंद में बस वो आया था, वो एक दो लाइन आई थी, बोले ये कौन सा छंद है, सोराठा का था वो। अलंकार तो वगैरह आया था? अलंकार से रस से नहीं था, रस से हाँ एक क्वेश्चन रस से था, एक क्वेश्चन उसमें कन्फ्यूजन था मतलब दो की, ये मतलब भयानक रस का है कि वो विभत्सा वाला जो है ना उसका, तो दोनों का कन्फ्यूजन था उसमें, तो एक रस से था और एक अलंकार से था क्वेश्चन। और कुछ याद? अच्छा, ये तो सब करते हैं मैनेजमेंट के, ऐसा कवर मैनेजमेंट के 15 सक के समथिंग क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं थे मैनेजमेंट के क्वेश्चन, तो बस यही मैनेजमेंट। और क्या बचिए? कंप्यूटर? कंप्यूटर से क्वेश्चन हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे समथिंग, ये शायद 75 के बाद थे हाँ, तीसरे नंबर पे कंप्यूटर था शायद, ऐसा जहाँ तक ध्यान है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन 20-25 के समथिंग कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, और सरल ही थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। बाकी एक दो क्वेश्चन थे जैसे जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ रखी है ना, वो से कोडिंग टाइप, मतलब तो इनपुट आउटपुट विंडो ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा नॉर्मल नहीं पूछा कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हाँ, नॉर्मली व्यक्ति नहीं कर सकता, नॉर्मल नहीं ऐसे नहीं पूछा कि ये कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं पूछा डायरेक्ट, मतलब डीप में पूछा। और एक दो क्वेश्चन जो थे वो लैंग्वेज से थे, बोले ये कोड को कैसे, इस वाले कोड को अपन बनाएंगे तो इससे क्या रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, ऐसा तो वो तो नहीं बन पाएंगे। एक दो तो नॉर्मल, मतलब अपन ने नॉर्मल पढ़ा है उस हिसाब से नहीं बन पाएंगे, वो जिनको कोडिंग वगैरह याद है ना वो बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे, और फंसा देते हैं एक दो क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में ऐसे। अच्छा, रीजनिंग में कैसी पजल वगैरह दे रहे क्या? रीजनिंग में ऐसा प्रतिबिंब वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं आया हाँ, रीजनिंग में पजल आए थे रीजनिंग में। पजल कौन सी? जो दो तीन आए थे जैसे पंक्ति वाली हाँ, आई थी कि सर्कल, तो आई थी वो सर्कल वाली, मतलब आसपास बैठाना, और उसमें भी अच्छे खासे एक में शायद 7 लोगों को बिठाना था हाँ, 7 लोगों वाला आया था।
सात से आठ लोगों वाला, दो दो क्वेश्चन के समथिंग आए थे उसमें, और वो एक लाइन वाला जो था ना उसके दाएं बाएं वो बैठा है, बीच में ये बैठा है, वो वाला आया था, दो तीन दो क्वेश्चन के समथिंग वो आए थे, इतना ही याद रहा यार। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई बहनों आने वाले भाई बहनों को? ये कहना चाहेंगे कि बस टाइम को मैनेज करके चलना है, मतलब यदि और 10-20, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट जब दिखते हैं ना स्क्रीन पे तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है फिर। चलिए नंबर नंबर बता दो। मेरे 137 137 नंबर है मेरी लैब में, हाईएस्ट एक बता रहा था उनके 140 नंबर है, जनरल कैटेगरी से है वो, मेरा ओबीसी 137 है यही है। और से पूछा था तो उनका पता नहीं, बाकी मेरे जो वो वहाँ पे थे एग्ज़ाम जो लेने वाले थे उन्होंने बताया था, बोले दूसरे नंबर पे तुम्हारा ही है और एक और बंदे का 140 ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो बता दो। विष्णु नागर, राजगढ़ जिले से। ठीक है, कौन सा चैनल?